अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह की चाय से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं अपने लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। चाय मेरी रेडी हो चुकी है, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी कि आज मुझे क्या करना है। मुझे कपड़े की कटिंग स्टिचिंग करनी है, इसलिए मैं सबसे पहले चाय को पी के मूड को फ्रेश कर लेती हूँ। आज मैं खुद के लिए शरारा सूट की कटिंग करने जा रही हूँ। टॉप के लिए मैंने 2 मीटर नेट लिया हुआ है और बटन के लिए 3 मीटर शरारे के लिए और 2 मीटर अस्तर के लिए। 5 मीटर मैंने यहाँ पे साटन का कपड़ा लिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप सब ने पूछा कि आप ये फैब्रिक कहाँ से लेते हो, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं सिवान से हूँ, तो सिवान में एक श्रीवास्तव की दुकान है, उस शॉप का नाम श्रीवास्तव है, तो मैं वहीं से अपने कपड़े को परचेस करती हूँ और मुझे वहाँ की फैब्रिक बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मैं वहीं से अपने कपड़े को ख़रीदती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी तरह तरह के डिज़ाइन बनाना पसंद है और बिल्कुल खुद से सिलना पसंद है, तो आप भी जाके परचेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सूट की कटिंग हो चुकी है। मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे कटिंग किया है और किस डिज़ाइन में इसे कटिंग किया हुआ है। स्टिच करने के बाद से इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। ये नेट भी बहुत मस्त है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को पुश कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की मेरी स्टिचिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें स्टिचिंग को शेयर करने की कोशिश की हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टिचिंग बहुत परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। और आप भी अगर स्टिचिंग करना जानते हो तो आप पास के मार्केट से नेट की फैब्रिक को लेकर ये वाला डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, आपको कोई भी डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इजीली इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी और आपको समझाने की भी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सूट हमारा स्टिच होने वाला है। ये स्टिच होने के बाद से बहुत मस्त दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी खुद से स्टिचिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और फैब्रिक खरीद के खुद भी स्टिच करके आप अपने सूट को पहन सकते हैं।
बहुत सारे लोगों को साइड वाले जो चाकू बनाते हैं हम उसे बनाने में बहुत दिक्कत आती है, खास करके लाइनिंग वाले कपड़े में। तो इस वीडियो को आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ट्रिक से चाकू बनाएंगे तो आपका चाक भी बहुत परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ईजी तरीके से इसे बना के आपको दिखाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी लाइनिंग वाले कपड़े स्टिच करने में दिक्कत आती है, खास करके नेट के कपड़े को, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइनिंग वाले कपड़े को कैसे स्टिच करना है और आपके भी कपड़े बहुत परफेक्ट तरीके से स्टिच होने लगेंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगी या आपको पेपर पर कटिंग करके समझाने की कोशिश करूँगी। आप देख सकते हैं शरारा सूट मेरा सिल के रेडी हो चुका है, बहुत परफेक्ट तरीके से ये बन के रेडी हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की मेरी स्टिचिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।